अरे बंधु, क्या आपने हमारे भैया को देखा है? हाँ हाँ, कहाँ है? वो देखो सामने। अरे भैया, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको कब से खोज रहा था। अखंड ब्रह्मांड के नायक, मेरे रूम रूम में बात करने वाले, मेरी विमल बाटका के प्रजा, अग्रज, ज्येष्ठ बंधु, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, इस कोमल हृदय के स्वामी और इस लक्ष्मण के भी स्वामी के आराध्य आपके श्री चरणों में मैं आज पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। क्या हो गया? तो बहुत कुछ है। क्या हो गया? इतना हंसते हुए तो हमने कभी देखा ही नहीं तुम्हें। आज विशेष कारण है, कभी नहीं देखा इतना हंसते हुए। देखिए, हृदय में तो ठसक भरी रहती है जब देखो तो। खसकीले स्वभाव के हैं यद्यपि, लोगों के हृदय में एक सोच भरी है, लक्ष्मण जमलालू स्वभाव का है। ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठी बात। हमारा लक्ष्मण जब भी बोलता है हंसकर बोलता है, हंसकर। कई प्रमाण मिलेंगे आपको, लक्ष्मण बोलता है हंसकर। लेकिन आज जो तुम्हारे मुखमंडल पर मुस्कान झलक रही है, ये हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें कोई राज है, अवश्य कोई विशेष कारण है। लक्ष्मण, आज तक इतना हंसते हुए नहीं देखा, ये हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर कारण क्या है? पूछते हो करुणा सागर, तो मन की बात बताता हो, त्रिभुवन अंतर जाने हारे, इसलिए मैं थोड़ा सच्चाता हूँ। मैं सच्चा रहा था कि भैया कुछ ऐसा या वैसा ना पूछ ले जो मैं वर्णन ना कर सका, किंतु आज आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। मैं आज अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ सरयू नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहा था। पता है भैया वहाँ क्या हुआ? वहाँ मेरा एक सखा दौड़ता मेरे पास आया, बोला, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बंधु मैं यहाँ खेल रहा हूँ। तो बोल रहा, आप यहाँ खेल रहे हो, वहाँ राज उद्घोषक के द्वारा घोषणा की जा रही। मैंने कहा, क्या घोषणा की जा रही? उन्होंने बताया कि आप प्रातःकालीन मेला पर युवराज पद से सुशोभित करने दिए जाने वाले हैं, आपको इस अयोध्या का थारी महाराज बनाया जाएगा, आपको युवराज पद दिया जा रहा है। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं दौड़ा चला आया, किंतु भैया पता है रास्ते में एक घटना और घटी। मुझे एक संत महात्मा दिख गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बड़े प्रसन्न हो। उन्होंने भी पूछा, अरे लक्ष्मण आप तो तुम बड़े प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? मैंने बताया कि मैं भैया के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम्हें कुछ पता है? हमने कहा, बोले जब किसी राजा के समक्ष जाया जाता है तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर जाया जाता है। तो मैंने विचार किया मेरे भैया को क्या प्रिय होगा, क्या पसंद होगा। तो प्रश्न आया, फिर इस प्रश्न का उत्तर भी आया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए लक्ष्मण आपके समक्ष इन तीन विशेषताओं के साथ आया। हे नाथ, हे करुणा सागर, दीन बंधु दीनानाथ, जो मैंने ये घोषणा सुनी, क्या ये सत्य है? क्योंकि होता है कभी कभी है कि आंखों देखा भी मिथ्या हो जाता है। मैं इस बात की पुष्टि स्वयं आपके मुखारविंद से करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बतलाइए ना, इसे कहते हैं भ्रातृत्व, इसे कहते हैं भाई के प्रति प्रेम, इसे कहते हैं भाईचारा। एक बार मेरे लक्ष्मण भैया के नाम की ताली तो बज जाए। कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बजना चाहिए। भाइयों भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए, अमूल्य निधि है भाई। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, भाई नहीं मिल सकता। आज युवराज बनने जा रहा हूं मैं, और प्रसन्नता किसे हो रही है? छोटे भैया, छोटे भाई को इतना हर्ष हो रहा है कि भागता हुआ मेरे समीप आया, ऐसा यदा कदा देखने को मिलता है। यदा कदा कहीं कहीं कि भाइयों भाइयों में प्रेम है, भाइयों भाइयों में तो दुश्मनी चली है। लक्ष्मण बड़ी बडमरा है दुनिया की, यदि मेहनत या परिश्रम करने के बाद एक ही कोख से जन्मा दूसरा भाई धनवान बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो उसका दूसरा सगा भाई ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या
फालतू में दुश्मनी मान बैठता है, बेकार। जबकि ये नहीं जानता उसने मेहनत की है, परिश्रम किया। भाइयों के साथ जितना भी कर सको त्याग करो, त्याग त्याग, छले कपट नहीं करना चाहिए। त्याग करने वाले भाई के नाम का इतिहास रख दिया जाएगा, और जो भी छल या कपट करेगा अपने भाई के साथ, मेरा मानना है ऐसा भाई जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं करता। तो लक्ष्मण हम तो चाहते हैं ये लागी छूटे ना। चाहे चाहे जाए जिया मेरी लड़िया। ये प्रेम, ये अनुराग, ये भ्रातत्व, ये लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। अब तो लखन मैं अपने भाइयों के लिए साहस जीवन दान देने के लिए तैयार हूं। चाहे चाहे जाए जिया मेरी लगी जिस बात को सुनकर तुम प्रसन्न हो
उसी बात को सुनकर हम दुखी। कारण मैं ये देख रहा था किंतु समझा भी रहा था, पता नहीं क्या कारण हो। मैं देख रहा हूं कि आज तक जीवन में लक्ष्मण के प्रसन्न रहने से पहले, बोले से पहले भैया आप प्रसन्न हुए। यहाँ तक जिस समय हम जनकपुरी गए, हर्ष बंधु समेत दो भाई, हम दोनों ही जनकपुरी को देखकर प्रसन्न हुए। किंतु मैं आपके इस मुखार बिंद की ओर दृष्टि डालता हूँ तो पाता हूँ आपका मन मलिन प्रतीत होता है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ, आखिर कारण क्या है? बता रहा है लक्ष्मण, सत्यता यह है। क्या सत्यता है? इस दुनिया में, क्या इस संसार में, हाँ, बड़े भाइयों को लोग स्वार्थी कहते हैं। क्यों? यदा कहा बड़े भाइयों को स्वार्थी नाम से सिद्ध कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के लोग हमें स्वार्थी सिद्ध न कर दे। ये पर हमें मिल रहा है तो हमारे छोटे भैया को मिल जाए तो अच्छा। क्या बात है, बताते हैं हम उस बताते हैं। कहते हो एक पद हमें मिल गया है, अरे एक पद मुझे क्या, भैया भरत को मिल जाए, छोटा भाई शत्रुघ्न को मिल जाए तो कोई बात नहीं होगी। क्योंकि इसका कारण है ना, क्योंकि हम चारों भाइयों में इतना सामंजस्य है कि कभी कोई बैर नहीं होगा। अरे बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई देता है, और उससे भी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रीति देता है। अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर कोई भाई नहीं देता, और उससे बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई तो देता है किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं देता है ना। आज मैं देखता हूँ आप मुझसे कहते हैं इस अयोध्या के युवराज बन जाओ, हे नाथ ये आप सारी प्रकार से जानते हैं हमारे कुल की ये रीत नहीं है। यह देखकर कोई रीत सुहाई ज्येष्ठ स्वामी सेवक लगवाई, ये हमारे कुल की रीत है। जो जेठा होता है वो स्वामी रहता है, और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। और हमारी कुल की रीत के बारे में कहा गया, लगकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तृतीय आपको गुरुदेव भगवान का भी आदेश है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करे सो जानी। तो मेरे विचार से अनुचित है और आप कह रहे हैं ये उचित है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कृपया प्रकाश डालिए इस बात पर। क्या हुआ लक्ष्मण? ये मेरा त्याग है। कैसा त्याग? भाइयों के लिए त्याग है। मैं चाहता हूँ कि ये पद हमारे छोटे भाइयों में से किसी को भी मिल जाए। अच्छा ना, कारण है मैं चाहता हूँ इससे भी अधिक प्रसन्नता जब कभी निकलूंगा तो यही दुनिया वाले कहेंगे बड़ा स्वार्थी निकला, सुने महाराजा बन गया। अच्छा ना, छोटे भाइयों की ओर देखा तक नहीं, निहारा तक नहीं, तो जब मैं अयोध्या की गलियों से निकलूंगा तो यही वो कहेंगे देखो 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 अयोध्या के राजा लक्ष्मण का बड़ा भाई राम का। क्या बात है, कितना हर्ष का, क्या बात है। आप कहते हो ये लोग कहेंगे कि अयोध्या का राजा का बड़ा भाई जा रहा है, और विचार कीजिए जब हम में से कोई राजा बन जाएगा और इस अयोध्या की गलियों से गुजरेगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो तो कितना स्वार्थी है, अपने बड़े भाई का राज छीन कर खुद राजा बन बैठा है। ये विचार नहीं किया, एक कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर। क्या आपको ये स्वीकार है कि हम तीनों भाइयों में से कोई कलंकित हो जाए? समस्या तो गंभीर है, बताओ समस्या। एक अरदाली भाई को क्या कहा, रघुपत कीरत विमल पता का दंड समान भयो जस जागा। मैं इस रघुकुल कीर्ति का डंडा हूँ और आप झंडा है, और मेरा ये सदैव नारा रहता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप कह रहे हो डंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कैसे हो सकता है? इतने सीधे भी नहीं है ये, इतना समझ आए जिन्हें राजनीति में प्रवेश करना हो, राजनीति ना जानता हो, राजा बहुत अच्छी राजनीति सिखाने हमें झंडा और आप है डंडा। झंडा तक अभी तक कोई पहुंचा, कोई पहुंचता है झंडा तक? पूछता कौन है? लोग डंडे को ही पूछते हैं, पूछता डंडा ही है। और देखो मंत्री हो या अधिकारी हो, वास्तव में ये अपनी जगह बहुत सही होती है,
मंत्री हो या कोई अधिकारी, ये सही होते हैं, लेकिन उनके जो छोटे वाले होते हैं, लगे होते हैं जो, उनका डंडा बहुत चलता है। कहते हो हमें नहीं जानते, मंत्री का भाई, मंत्री को कोई पता नहीं क्या होगा, अधिकारी को कोई पता नहीं, लेकिन डंडा इनका चलता है। चलो भैया चलाते रहो डंडा। आज की रात में यही प्रोग्राम करवाएंगे।